हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज़। और आज हम बात करेंगे दूसरे यूज़र डिफाइंड मेथड की। और ये किस टाइप का मेथड होता है जिसमें कि कोई पैरामीटर नहीं होता बट रिटर्न टाइप होता है। तो आइए इसका देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू जावा प्रोजेक्ट, और इसका हम नाम देंगे मेथड विदाउट पैरामीटर बट एंड रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। तो ये कैसी मेथड होगी जिसमें कि पैरामीटर नहीं होगा बट रिटर्न टाइप होगा। ओके, अब इसमें हम क्या एक नई मेथड क्रिएट करते हैं और सॉरी नई क्लास क्रिएट करते हैं, और इस क्लास का हम नाम देंगे सैंपल ओके। अब इसमें हम दो पैरामीटर लेते हैं, प्राइवेट डबल नंबर वन एंड नंबर टू। देन इसमें क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे सैंपल क्लास का सैंपल, और इसमें हम मेथड दो पैरामीटर लेंगे डबल एन वन डबल डबल एन टू। देन क्या करेंगे, नंबर वन इक्वल्स टू एन वन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एन वन की वैल्यू है वो किस में पास कर रहे हैं, हम नंबर वन में, एंड जो एन टू की वैल्यू है वो किस में पास कर रहे हैं, हम नंबर टू में। देन क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे और इस मेथड का रिटर्न टाइप होगा डबल डबल सम। तो ये हमारी एक मेथड है और इसका रिटर्न टाइप क्या है, सम। मीन्स ये मेथड सम रिटर्न टाइप करेगी। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू। देन रिटर्न क्या करें, ये मेथड रिजल्ट। देन अब हम क्या करेंगे, इस क्लास से बाहर आएंगे, देन एक क्लास क्रिएट करेंगे डेमो, और इस डेमो के अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सैंपल क्लास का सैंपल एस इक्वल्स टू न्यू सैंपल, और इसमें हम पास करेंगे 10। यहाँ हम दो पैरामीटर पास करने हैं हमें इसके कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ 10 एंड 20 ये हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। देन डबल रिजल्ट इक्वल्स टू एस डॉट सम, जो कि ये क्या करेगा, एस डॉट सम इस मेथड का रिटर्न जो भी वैल्यू होगी, रिटर्न वैल्यू किस में पास करेंगे, हम रिजल्ट के अंदर। देन हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम लिखते हैं रिजल्ट
रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सैंपल क्लास क्रिएट किया, इसमें दो वेरिएबल लिए नंबर वन एंड नंबर टू। देन हमने क्या किया, इस सैंपल क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। देन हमने क्या किया, जो नंबर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू पास होगी नंबर वन एंड टू, ये हमने पास की नंबर वन एंड नंबर टू में। देन हमने अगेन एक मेथड ली सम। सम में क्या किया, हमने एन वन और एन टू का क्या सम प्रिंट करवाया और उसे रिटर्न करवाया। मीन्स ये मेथड क्या करेगी, हमें रिटर्न डबल वैल्यू, रिजल्ट की डबल वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगी। देन हमने क्या किया, एक डेमो क्लास ली। देन इसके अंदर मेन मेथड ली, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास की 10 एंड 20, जो कि यहाँ पर n1 n2 होगी। तो n1 की वैल्यू क्या होगी 10 एंड n2 की 20, जो कि किस में पास होगी n1 एंड नंबर वन एंड नंबर टू। देन नंबर वन की वैल्यू क्या होगी 10 एंड नंबर टू की वैल्यू होगी 20। देन क्या होगा जी, अब यहाँ पर हम एस डॉट सम पास करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये रिटर्न क्या करेगी हमें n1 प्लस नंबर वन प्लस नंबर टू। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी 30। देन हम क्या करवा रहे हैं, 30 वैल्यू को प्रिंट करवाए। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन करेंगे रन एज रन एंड जावा एप्लीकेशन। देन हम क्या करते हैं इसको, तो ये हमारा डबल रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा था जो एक मेथड थी विदाउट पैरामीटर बट रिटर्न टाइप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।